नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां चुनावी अभियान में जुटी हैं। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जहां बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने योगी सरकार के 4.5 सालों पर तंज कसा है और बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी सरकार के 4.5 सालों पर जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। फिर झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। लाखों खाली पदों पर नौकरियां देने और लटकी भर्तियां कराने पर छूट। किसानों का गन्ना, गेहूं, धान, आलू के दाम देने में, बिजली के दाम कम करने में, महंगाई रोकने में यूपी सरकार फेल रही। वहीं दूसरे ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा, यूपी को क्या बनाया बीजेपी सरकार ने। कुपोषण में नंबर वन, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर वन, अपहरण के मामले में नंबर वन, हत्या के मामलों में नंबर वन, दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर वन। बता दें कि यूपी की योगी सरकार के आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरकार अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। लखनऊ में आप सभी पत्रकार मित्रगण जानते होंगे कि कभी प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री बनते थे अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए, उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए। उत्तर प्रदेश के 4.5 वर्ष का यह कार्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास में सुरक्षा और सुशासन के दृष्टि से एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। आपने देखा होगा ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के सागिर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। यूपी में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां योगी सरकार ने दोबारा वापसी का वादा किया है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां कैसे भी करके इस बार बीजेपी का चुनावी रथ रोकने के मूड में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।